दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है वो मैंने लिखा है, व्हाई वी प्रेफर रियल स्टेट बिजनेस। हम रियल स्टेट बिजनेस को प्रेफर क्यों करते हैं, या हमें रियल स्टेट बिजनेस को प्रेफर क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि हर एक आदमी तीसरे टाइप की लाइफ जीना चाहता है, जिसको मैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कहता हूँ। इसके पहले की लाइफ है जो लाइफ ऑफ सर्वाइवल है, और दूसरी लाइफ ऑफ सक्सेस है, तीसरे टाइप की लाइफ है जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस भी क्या है कि आपके पास ऐसी जिंदगी है जिसमें आपके पास टाइम भी रहेगा और पैसा भी रहेगा। आप समझ सकते हो, यदि आपके पास टाइम ही टाइम है और पैसे नहीं हैं तो ऐसी जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं। और जिसके पास पैसे ही पैसे हैं और खाना खाने का भी टाइम नहीं है, कुछ और अच्छा सोचने का भी टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, उसी जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं। सो ये रियल स्टेट बिजनेस से हमें कैसे जिंदगी मिल सकती है, क्योंकि जितने भी लोग हम रियल स्टेट में काम कर रहे हैं, मैं 28 साल से भी ज़्यादा हो गए, मेरे को 28 साल में मेरे पास टाइम की कभी भी कमी नहीं आई। जो मेरा मन करता है काम करने का मैं कर सकता हूँ, जो मेरा दिल करता है कहीं जाने का जा सकता हूँ। दोनों जो आदमी की ज़रूरत है, जो अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरत है, टाइम और मनी, ये दोनों चीज़ देती है। अब ये तीन बंदों को मैं नाम लिखा यहाँ पर जिनके पास पैसा बहुत है, आशीष अग्रवाल, टीटू जी और बेकरी शॉप मोहाली की है। ये तीन बंदों का मैंने नाम तब लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये आशीष अग्रवाल मेरा बच्चा ही है। ये बहुत छोटा सा था जब मैं यहाँ बैंक में काम शुरू किया, तो वहाँ पर इसकी दुकान होती थी किराने की। तो उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने तरक्की करी, हार्डवेयर के शोरूम डाल लिए। अब हार्डवेयर का शोरूम है इसके पास। अब जब भी इसके पास जाते हैं इसको बहुत मतलब चाव चढ़ जाता है, मतलब खुशी होती है कि हम आ गए। लेकिन ग्राहक कितने खड़े हैं, इसके पास बात करने का टाइम ही नहीं है। बिठा लेगा अपने प्रॉपर की कुर्सी पे, दे देगा टाइम, बैठो अंकल जी, इधर बैठो और ये बात करो, वो बात करने का टाइम ही नहीं। कभी कोई आगे, कभी कोई आगे, कभी कोई। तो मैं कहता हूँ, ऐसी ज़िंदगी को क्या कर रहे हो आशीष यार? तो कहता, अंकल जी हम तो ऐसे ही ज़िंदगी में ढल गए हैं। तो अब मैंने कहा, तुम्हारी उम्र 40+ हो गई है, ज़िंदगी में कभी आप कभी ऐश करने के सोचोगे, या सिर्फ मनी मेकिंग मशीन ही बनोगे? मतलब यू आर जस्ट लाइक मनी मेकिंग मशीन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। 24 घंटे पैसा 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 आ रहा है, पैसा जा रहा है। और दूसरा नंबर पर मैंने टीटू जी लिखा है। टीटू जी का बहुत बड़ा काम है, चंडीगढ़ में है, अपने भाई हैं छोटे समझो। तो उनका काम इतना ज़बरदस्त है कि इन्होंने अपनी दुकान पर पैसे गिनने के लिए बंदे रखे होंगे, पर जब टीटू जी के पास जाते हैं चाय नहीं पिला सकते। टीटू जी दिल होता है कि हम भाई साहब भाई हैं, चाय पिलाएं, कोई इनके साथ बात करें, लेकिन नहीं कर सकते। दोपहर का खाना 6 बजे और रात का खाना रात को 2 बजे, ये हालत है। और ये बेकरी वाला लिखा है, मैं बेकरी शॉप, ये मोहाली की एक बहुत बड़ी मशहूर दुकान है, और इतना ज़्यादा रश रहता है इनके पास कि इनको 3 बार या 4 बार बैंक वाले पैसा लेने के लिए आते हैं, जमा करने के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इन लड़कों को, दो तीन लड़के हैं ये, मेरा ख्याल तीन है, चाचू ताई हुए आपस में, तो इनको डिप्रेशन हो गया कि नोट गिनते गिनते हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। तो सिंपल बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको बेटर लाइफ चाहिए तो आपके पास दोनों चीज़ होनी चाहिए, टाइम भी और मनी भी। ये कहाँ से आएगा, ये रियल स्टेट बिजनेस से आएगा। यदि आप रियल स्टेट बिजनेस कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, और यदि आप सही ढंग से कर रहे हो तो और भी बढ़िया, नहीं तो अपना ढंग चेंज करो। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके पास टाइम और मनी दोनों चाहिए। टाइम आपके पास कब होगा, जब आपके लिए पैसा काम करेगा। यदि आपके लिए पैसा काम नहीं करता, तो आप पैसे के लिए काम करते हो, तो ज़िंदगी भर ऐसे ही लगे रहना, कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा और आपका इंटरेस्ट रियल स्टेट में जागेगा। यदि आपका इंटरेस्ट रियल स्टेट में जाग जाता है, तो आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपको सिखाने वाले हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसी मर्जी ट्रेनिंग लो, जैसा मर्जी जो मर्जी बात करो, किताबें पढ़ो, और
हमारी लाइव क्लासेस होती है यूट्यूब के ऊपर, कितनी वीडियोस पड़ी हैं आप यहाँ से सीख सकते हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी को रियल एस्टेट बिजनेस जरूर करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में ही पैसा आपके लिए काम करता है। जो आदमी पैसे के लिए काम करता है वो सारी उम्र भी फ्री नहीं हो सकता, लेकिन जिसके लिए पैसा काम करता है वो जितनी जल्दी उसके लिए पैसा काम करना शुरू कर देता है वो जल्दी फ्री हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें और आगे काफले में जाते रहें, अपने साथ काफला बनाते रहें। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों आज के लिए इतना, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। आपका दोस्त राजवंत सिंह मोहाली। प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।